जिनको लुक्स चाहिए, जिनको पावर चाहिए, जिनको एक अच्छी सिटी में चलाने के लिए एक बजट बाइक चाहिए, उनके लिए बजाज ने यहाँ पे सोच वोच के एक P150 करके लॉन्च कर दिया है। Hey everyone, what's going on? Welcome back to another video. And आज हमारे सामने बजाज की पल्सर P150, जो कि एक न्यू एकदम लेटेस्ट उनका एडिशन है पल्सर के लाइनअप पे। टोटल अभी उनके चार गाड़ी आ गए हैं 150 सीसी सेगमेंट में। दिस इज द फोर्थ वन विच इज द पल्सर P150। बहुत ही बेहतरीन लुक्स इन्होंने यहाँ दिए हुए। दिस पेंट स्कीम और ये गाड़ी कंप्यूटर सेगमेंट के हिसाब से, सिटी के हिसाब से काफी अच्छी लग रही है। कलर वेरिएंट्स बहुत सारे हैं इसके। फिलहाल मेरे पास है वो है ब्लैक कलर, जिसमें ट्विन डिस्क वाला वेरिएंट है। इस मॉडल में आपको P150 में बेसिकली दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, विच इज फर्स्ट सिंगल डिस्क और डुअल डिस्क। सिंगल डिस्क में जो आपका सीट होगा वो सिंपल वाला होगा, जिसका कॉस्ट भी थोड़ा कम होगा एज कम्पेयर टू डुअल डिस्क। एंड डुअल डिस्क में आपको यहाँ पे थोड़ा स्प्लिट सीट का कॉन्फिगरेशन देखने को मिल जाता है। फ्रंट का लुक का मैं बात करूँ तो द हेडलाइट इज टोटली न्यू, पूरा एकदम अलग हेडलाइट इन्होंने यहाँ पर निकाला है एज कम्पेयर टू द NS। आप देख लो N160 या N250 का देख लो, टोटली पूरा अलग इन्होंने हेडलाइट का व्यू दिया है। टायर ऑन द फ्रंट एंड अगर आप देखते हो तो 90x90 सेक्शन के यहाँ पर उन्होंने टायर दिए हुए हैं। एंड पीछे के साइड में जो रेयर टायर है दैट इज ऑफ 100x80 के सेक्शन के टायर दिए हुए हैं। इसका कैलिपर है डिस्क ब्रेक का, इट इज नॉट ब्रांडेड एज अपोज टू द प्रीवियस N160 और द N सीरीज। ग्रेमर के कैलिपर्स आपको यहाँ पर मिलते थे, बट दिस इज आई गेस पल्सर के अपने ब्रांड के कैलिपर यहाँ पे वो यूज कर रही है फ्रंट एंड बैक दोनों में। यहाँ पर आपको हॉर्न सिंगल हॉर्न मिल जाता है, आपको सिंगल हॉर्न के सेटअप के साथ यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पर आपको सिंगल स्टैंड एज वेल एज डबल स्टैंड दोनों मिलता है, कार्बन फाइबर के जैसे थोड़ा यहाँ पे बॉडी पार्ट मिल जाता है, बॉडी पैनल मिल जाता है। टैंक भी अगर मैं यहाँ पे फिट एंड फिनिश की बात करूँ तो ग्लॉसी फिनिश में यहाँ पर दिया हुआ है एंड द टैंक क्वालिटी इज ऑल्सो क्वाइट गुड। फ्यूल कैप पे यहाँ पर आप अगर देखते हो तो इट्स अ स्प्लिट टोन डिफरेंट कलर ऑप्शन। यहाँ पर आपको एक मिनी सा वाइजर भी देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर सेमी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, वो काफी अच्छा देखने को यहाँ पर मिल जाता है। यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो अपने को बैटरी इंडिकेटर मिल जाता है, इंजन इंडिकेटर मिल जाता है, इंजन मैलफंक्शन इंडिकेटर आप उसको कह सकते हो। यहाँ पे आपको RPM मीटर मिल जाता है विच इज इन एनालॉग स्टाइल। डिजिटल में आपको यहाँ पर स्पीडोमीटर मिल जाता है, ऑडोमीटर मिल जाता है, साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर, टर्न इंडिकेटर्स, हाई बीम, RPM का लिमिट भी आपको यहाँ पे इंडिकेटर मिल जाता है। एंड सबसे एक अच्छी बात बताओ मेरे को इस बाइक की क्या लगी, जो है इस बाइक में आपको गियर पोजीशन इंडिकेटर मिलता है एज अपोज टू द प्रीवियस 150 सीसी के बाइक्स। अगर आप देखते हो इस बाइक में आपको गियर पोजीशन इंडिकेटर यहाँ पर दिख जाता है, विच इज़ क्वाइट अ यूजफुल फीचर। काफ़ी लोग मेरे को पर्सनली बहुत अच्छा लगता है बाइक पे गियर पोजीशन इंडिकेटर। यहाँ पर आपको एवरेज फ्यूल इकोनॉमी भी मिल जाती है, ट्रिप वन ट्रिप टू डिस्टेंस टू MT भी यहाँ पर आपको एक और एक्स्ट्रा फीचर मिल जाता है जो आजकल के काफ़ी बाइक्स में नहीं दिखता है। फ्यूल है वो कब खत्म होने वाला है या कितना किलोमीटर और चलने वाली है और कितने मीटर पे सर्विस होने वाली है गाड़ी की, वो सब आपको यहाँ पर दिख जाता है। बेस्ट थिंग जो फ्यूचरिस्टिक जो बजाज अपने बाइक्स में डाल रही है, जो मेरे को भी यार बहुत अच्छी लग रही है, दैट इज़ द USB पोर्ट। जी हाँ यार, यहाँ पे आपको USB पोर्ट मिल जाता है। बात करूँ इंजन की तो इंजन इज़ 149 cc एयर कूल्ड इंजन। इंजन रिफाइनमेंट की मैं बात करूँ तो P150 सेम पूरा ग्राउंड अप से न्यू इंजन इन्होंने यहाँ पे निकाला है। एंड इंजन मैंने अभी चलाया तो काफ़ी मेरे को स्मूथ लगा है ये वाला इंजन। स्मूथनेस के मामले में पल्सर यहाँ पे काफ़ी अच्छी कर रही है। चला के मतलब आप चलाइए एक बार ये बाइक, आपको इतना स्मूथ लगेगा इंजन कि मैं क्या ही बताऊँ। यहाँ पे क्लच की मैं बात करूँ तो क्लच इज ऑल्सो काफ़ी लाइट। अगर मैं टेल की पीछे बात करूँ तो यहाँ पर आपको LED टेल लाइट यहाँ पर मिल जाता है, यहाँ पे आपको बल्ब इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। आगे की बात करूँ तो फ्रंट हेडलाइट आपको पूरा LED टोटली LED मिल जाता है विद DRL रनिंग लाइट्स। एग्जॉस्ट की मैं बात करूँ तो एग्जॉस्ट आपको यहाँ पर अंडर बेली मिल जाता है एज अपोज टू द बिग वन जो आपको प्रीवियस पल्सर P150 में मिलती थी। गाड़ी की साइड लुक की मैं बात करूँ तो साइड लुक से काफ़ी अच्छी, अगर आप दूर से इसको देखोगे तो थोड़ी 150 सीसी की तो बाइक कतई नहीं लगती है, थोड़ी हायर सीसी की अराउंड 189 सीसी या कम से कम 200 तो मैं नहीं कहूँगा, अराउंड 189 सीसी की ये बाइक लगती है। सेमी मस्कुलर बाइक एंड सेमी स्पोर्टी बाइक। मैंने इसको अराउंड 10 मिनट के लिए चलाया एंड हैंडलिंग ऑफ दिस बाइक, द वेट ऑफ दिस बाइक इज प्रॉपरली प्रोपोर्शनेट। अगर मैं बात करूँ कि सिटी ट्रैफिक में जब आप इसको चलाओगे इस बाइक को काफ़ी इजीली आप इसको मैनूवर कर पाओगे विदाउट ज़्यादा हैसल। एंड ड्यू टू द लाइट वेट जो शॉर्ट राइडर्स हैं उनके लिए बहुत अच्छी बाइक रहेगी, क्योंकि यू नो दे कैन इजीली मैनेज एंड डिस्ट्रीब्यूट देयर वेट एंड पावर भी उनके अच्छे से पुर जाएंगे। तो इस साइड की लुक की मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर आपको जो बहुत ही सही एडवांटेज यहाँ पर बजाज दे रहा है विच इज़ द किक स्टार्ट। जी हाँ, इलेक्ट्रिक स्टार्ट प्लस किक स्टार्ट का यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है जो काफ़ी सारी बाइक्स नहीं दे रही है। 5-speed मैनुअल 1-down 4-up का यहाँ पर आपको गेयर बॉक्स मिल जाता है। यहाँ पर अगर हम आए सस्पेंशन पे तो 31mm के आपको यहाँ पर टेलीस्कोपिक सस्पेंशन फ्रंट मिल जाता है। रेयर में यहाँ पर आपको मोनोशॉक सिंगल सस्पेंशन यहाँ पर अंदर की साइड पे आपको मिल जाता है। अब हम करते हैं गाड़ी को स्टार्ट एंड मैं आपको इसकी एग्जॉस्ट नोट सुनाता हूँ।
काटा जो मिलता है ना इतना मस्त लगता है ना यार। N160 में भी सेम दिया है इन्होंने इंस्ट्रूमेंट पैनल। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चेंज जो इन्होंने N सीरीज से किया है दैट इज द हैंडल बार। N सीरीज में आपको एक सिंगल यूनिट का हैंडल बार मिल जाता था, यहाँ पर आपको डुअल यूनिट का, जैसे जो ओल्ड पल्सर का इन्होंने हैंडल बार यहाँ पे लिया है। अब यार मैं 150 cc और 160 cc की अगर मैं बात करूँ तो इस कैटेगरी में यार बहुत सारी बाइक्स आ जाती है एंड चॉइस डिफिकल्ट हो जाती है काफ़ी लोगों के लिए। काफ़ी ब्रांड्स इस सेगमेंट में बहुत सारी बाइक्स निकालते हैं क्योंकि इंडिया में ना यार बाइक बहुत डोमिनेंट है। इंडिया में आप लोगों को पता ही है एज यू नो बाइक्स आर वेरी डोमिनेंट, सो 151 cc सेगमेंट में बहुत डेंजर वाला यहाँ पे कॉम्पिटिशन बढ़ जाता है एंड दैट इज़ वाई पल्सर जो है बजाज अपनी उन्होंने 3-4 सेम कैटेगरीज की बाइक मेरे को लगता है लॉन्च की है। स्पोर्टी डिज़ाइन में थोड़ी निकाला ताकि लोगों को वैरायटी आए क्योंकि टू बी ऑनेस्ट बाइक्स बहुत सारी अवेलेबल है 150 cc 160 cc कैटेगरी में, मगर द लुक्स काफ़ी लोगों के डिफर होते रहते हैं क्योंकि जो बाइक्स आते हैं उसमें थोड़े लुक्स में कोई कम ज़्यादा हो जाता है, कभी कोई पावर में कम ज़्यादा होता है, कोई फीचर्स में कम ज़्यादा होता है। सो आई गेस फॉर दैट पर्पज दे हैव लॉन्च दिस न्यू P150 एंड मेक श्योर अगर आप एक बाइक लेने वाले हो 150-160 cc सेगमेंट में तो आप एक बार इधर आओ, एक राउंड लगाओ एंड डिसाइड फॉर योरसेल्फ कि ये बाइक आपको कैसी लग रही है, लेनी चाहिए या नहीं। तो अब आ जाते हैं इस बाइक के प्राइसिंग पे। एक शोरूम प्राइस आपको इन पुणे मिल जाएगा ये 119,000 का डबल डिस्क वेरिएंट के लिए ट्विन डिस्क वाला, एंड सिंगल डिस्क पे अगर आप जाते हो तो आपको मिलेगा वो आपको पड़ेगा अराउंड 116,000 का। एंड बाकी की डिटेल्स आई सर्विस वाकड़ेवाड़ी शोरूम आके आप बात कर सकते हो। तो बोला आज का वीडियो बस इतना ही था। मेक श्योर यू लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।